नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। साथियों, आज हमारा जो विषय है वो है बैक पेन। बैक पेन की जो समस्या है वो इस समय कॉमन हो गई है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पोस्चर सही नहीं होना, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा हो रहा है तो लोग काफी देर तक झुक के बैठे रहते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है उनको सर्वाइकल की परेशानी होने लगी है और बैक में भी पेन होने लगा है। तो एक तो कारण ये है। दूसरा है कि आप वजन जो है ज्यादा उठा ले तो उस वजह से भी बैक पेन हो जाता है। पहले बैक पेन की जो समस्या थी वो वृद्धावस्था में हुआ करती थी, लेकिन अब तो सभी को बैक पेन होने लगा है। ये कॉमन सी परेशानी बन गई है, खासतौर से महिलाओं को पीरियड्स के समय या फिर गर्भावस्था के समय बैक पेन बना रहता है। तो योगाभ्यास के अंदर कुछ ऐसे आसन हैं जिनका आप नियमित अभ्यास करें तो बैक पेन में बहुत आराम मिल सकता है, क्योंकि वो मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ा देते हैं। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, बैक पेन से छुटकारा पाने के लिए अंग्रेजी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, जिससे उन्हें आराम तो तुरंत मिलता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो आइए अब हम योग की तरफ चलते हैं और योग के माध्यम से अपने बैक पेन को, अपनी कमर दर्द को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए यहाँ कुछ आसनों की सीरीज है, कुछ आसनों की श्रृंखला है। इसका अभ्यास आपको नियमित अपने घर पे बैठ के करना है, जब आप कभी तकलीफ में हो या तकलीफ में ना भी हो, अगर आप रोज करेंगे तो आपको फिर तकलीफ भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारा जो आसन है वो सुखासन में बैठ जाना है। जैसे मैं सुखासन में बैठा हुआ हूँ, आप चाहे तो पद्मासन भी लगा सकते हैं, अगर लगा सके तो, अन्यथा सुखासन ठीक है। सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठ के पर्वत आसन का अभ्यास कीजिए। अपनी उंगलियों को ऐसे लॉक करिए और सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके चले जाइए, ऊपर लेके चले जाइए। इससे कमर में, लोअर बैक में खिंचाव होगा ऊपर की तरफ। आप महसूस करेंगे कि आपकी जो बैक है ऊपर की तरफ खिंच रही है। अब बॉडी को ट्विस्ट करिए राइट साइड, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए बीच में इनहेल, लेफ्ट साइड, ऐसा 3 times लेफ्ट, 3 times राइट, ऐसे आप ट्विस्ट करिए। हाथों को ऊपर खींच के रखिए। इसके बाद अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा नीचे हाथ रख लीजिए, और अगर आप थके नहीं हैं तो पुनः हाथों को ऊपर ही रखिए। और अब सांस छोड़ते हुए साइड बेंडिंग, एक तरफ आइए, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इसका अभ्यास आप 5 से लेके 10 बार कर सकते हैं। इसको करने से आपके बैक में आराम मिलेगा, मसल्स खिंचाव होंगे और उसमें स्टिफनेस जो हो जाती है, स्टिफनेस में भी आराम मिलेगा। तो ये रहा हमारा पहला अभ्यास जो आपको सुखासन में या पद्मासन में बैठ के करना है। इसके बाद अगले अभ्यास की तरफ हम चलते हैं। अगला अभ्यास है हमारा बालासन का अभ्यास। उसे कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। सीधा वज्रासन में बैठ जाइए, और अगर आप वज्रासन में बैठने में आपको तकलीफ होती है तो सीधा इस तरीके से बॉक्स पोज बनाइए और फिर चाइल्ड पोज में आ जाइए। चाइल्ड पोज में आने के बाद अपने हाथों को आप आगे की तरफ खींचेंगे। जब आप अपने हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे तो लोअर बैक से अपर बैक की तरफ आपको खिंचाव महसूस होगा। इस खिंचाव को महसूस कीजिए और याद रखिए आपको यहां पर 10 बार सांस लेनी है और छोड़नी है। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। लोअर बैक में खिंचाव को महसूस कीजिए, क्योंकि आपको कमर दर्द में आराम लेना है तो लोअर बैक में हल्का सा खिंचाव भी डालना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया बालासन का अभ्यास। बालासन के अभ्यास के बाद आप मर्जरी आसन का अभ्यास करें।
एल्बोस को टच करें नी से और सीधा इस तरीके से उठें। ये बहुत ही कारगर अभ्यास है, कई सारी परेशानियों में काम आता है। सांस को भरते हुए गर्दन ऊपर उठाइए, कमर नीचे झुक जाएगी और सांस छोड़ते हुए कमर गोल हो जाएगी, चिन आपका चेस्ट से लग जाएगा। इस प्रकार बालासन का अभ्यास के बाद मर्जरी आसन का अभ्यास, इसको आप 10 बार जरूर करें क्योंकि ये काफी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है कि आपको परेशान करेगा। बालासन के बाद मर्जरी आसन, इसके बाद आप एक काम करिए, अधोमुखी श्वानासन का अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथों को थोड़ा आगे रख लीजिए और इस प्रकार से घुटनों को मोड़ते हुए खड़े हो जाइए। अगर आपकी बैक में ज्यादा दर्द है तो अपने घुटनों को मोड़ के रखिए, अगर थोड़ा आराम है तो घुटने आप सीधे कर सकते हैं, इससे भी आपकी बैक में खिंचाव होगा। ये देखिए यहाँ से पूरा खिंचाव हो रहा है, तो लोअर बैक में अगर आपके दर्द है या शोल्डर्स में या अपर बैक में दर्द है, इन तीनों प्रकार के दर्दों में ये अधोमुखी श्वान आसन आपको बड़ा लाभ देगा। यहाँ पर आपको 10 बार सांस लेनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा परेशानी का अनुभव लग रहा है आपको तो आप 5 बार जरूर सांस लें। अधोमुखी श्वान आसन, अधोमुखी श्वान आसन के अभ्यास के बाद अपने घुटनों को आप जमीन पर टिका दें और इस प्रकार से चाइल्ड पोज में पुनः आ जाएं। चाइल्ड पोज में आने के बाद धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़ें और लेट जाएं। थोड़ा विश्राम करना चाहें तो आप विश्राम कर सकते हैं और इसके बाद हम शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। शलभ आसन के लिए दोनों पाम्स आपको थाई के नीचे ऐसे रखने होंगे। अब सांस भरते हुए राइट लेग ऊपर और सांस छोड़ते हुए राइट लेग नीचे, लगातार एक पैर 5 बार ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए और छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार दूसरा पैर भी लगातार 5 बार ऊपर उठाएं, सांस भरे तो ऊपर, सांस छोड़े तो नीचे। सांस भरे तो ऊपर की तरफ और सांस छोड़े तो नीचे की तरफ। ये है शलभ आसन का अभ्यास। शलभ आसन करेंगे तो बहुत आराम आपको मिलेगा। इसका एक इजी वेरिएशन भी है, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं लेटा हूं, चिन के नीचे हाथ लगा लीजिए और एक एक करके हील को अपने हिप से लगाने की कोशिश कीजिए। इसको बोलते हैं मकरासन का अभ्यास। मकरासन का अभ्यास आप कर सकते हैं, काफी आसान है। एक एक करके पैरों को हील को टच करें, अपने हिप से लगाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रकार आप 10-10 बार इस अभ्यास को आप आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शलभासन का अभ्यास और मकरासन का अभ्यास। चलिए इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके उठ जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और सीधा लेटने की कोशिश करते हैं, शवासन में आ जाते हैं। शवासन में ले जाइए। शवासन में लेटने के बाद इजी पवन मुक्त आसन करेंगे। एक पैर को मोड़ लेंगे, जैसे मैंने लेफ्ट लेग मोड़ा है, राइट लेग को हल्के से इस प्रकार उठाएंगे और अंदर से लॉक करेंगे और पोजीशन को होल्ड करेंगे। यहां पर आप 10 बार सांस ले लीजिए या 30 सेकेंड इस पोजिशन को होल्ड करिए। आप चाहे तो यहां से भी पकड़ सकते हैं अपने नी को और इस पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। जब आप इस पोजीशन में आएंगे तो आपकी बैक में स्ट्रेचिंग महसूस होगी और आपके कमर दर्द में आराम महसूस होगा। एक इस प्रकार से एक पैर से किया, फिर आप दूसरे पैर से करिए। इस पैर को फिर मोड़ लीजिए, इसको उठाइए, अंदर से लॉक कर लीजिए या ऊपर से लॉक कर लीजिए और पोजीशन को होल्ड जरूर करिए। तो ये हमारा पवन मुक्त आसन का अभ्यास था, उसका एक इजी वेरिएशन था। आप चाहें तो दोनों पैरों से एक साथ ये कर सकते हैं, बस इसको आपको हग करना है, आगे पीछे मूव कर नहीं करना है,
अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी बैक में दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ हग करना है और पोजीशन को होल्ड रखना है। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पवन मुक्त आसन के बाद हम कपोत आसन का अभ्यास करेंगे। कपोत आसन इजी कपोत आसन है ये, इसे लेट के करते हैं। इसे करने से हमारी जो ग्लूट मसल्स होती है उस पर खिंचाव होता है, तो कमर दर्द का कारण अगर ये भी होता है कि आपकी ग्लूट मसल्स वीक हो गए हैं, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आपके लोअर बैक का पेन भी चला जाता है। एक पैर को इस प्रकार से मोड़ लीजिए जैसे मैंने मोड़ा है। अब दूसरे पैर को ऐसे उठाइए और नी को ऐसे दबा दीजिए। हल्का सा दबाव महसूस कीजिए, आपके ग्लूट मसल्स पे दबाव महसूस होगा। इस पोजीशन को आप होल्ड करिए। यहाँ भी 5 से लेकर 10 बार तक सांस आपको लेनी है और छोड़नी है। फिर जब ये हो जाए तो दूसरे पैर से करिए, पोजीशन चेंज कर दीजिए। ये देखिए, अब ये जो ग्लूट मसल्स मैंने आपको बताया, यहाँ पर इस एरिया में आपको खिंचाव जरूर महसूस होगा जब आप इस पोजीशन में आएंगे। आपको पोजीशन होल्ड रखनी है, 5 से लेकर 10 बार तक सांस जरूर लेना है। तो ये हमारा इजी कपोत आसन का अभ्यास हो गया। कपोत आसन के अभ्यास के बाद दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ दीजिए और पोजीशन को होल्ड करिए। अगर आप थक गए हैं थोड़ा विश्राम कर लीजिए, नहीं तो अगले अभ्यास की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं। अगला अभ्यास है हमारा सेतु बंध आसन। इसमें आपको ऊपर नीचे अपने पेल्विस मसल्स को उठाना है 5 से लेकर 10 बार तक। मुझे देख लीजिए, सांस को भरते हुए ऊपर जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। सांस भरते हुए ऊपर जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। ऐसा आपको 5 से लेकर 10 बार करना है। ये हमारा सेतु बंध आसन। आप चाहे तो 5वीं बार में या 10वीं बार में 20 से लेकर 30 सेकंड्स तक पोजीशन को आप होल्ड भी कर सकते हैं। वेरी गुड। अब नीचे आ जाइए और अब दोनों हाथों को यहां से हटा के सर के नीचे रख लीजिए। कटिवक्रासन का अभ्यास करेंगे। कटिवक्रासन के अभ्यास के लिए आप इसी पोजीशन में आ गए हैं। अब दोनों पैरों को एक साथ राइट साइड में ले जाइए, गर्दन अपोजिट साइड में रहेगी। फिर दोनों पैर बीच में आएंगे और लेफ्ट साइड में जाएंगे और गर्दन अपोजिट साइड में। इसका अभ्यास आप 5 से लेकर 10 बार तक करें। तो ये हमने कटिवक्रासन का अभ्यास कर लिया। इसके बाद आप धीरे धीरे करके करवट ले लीजिए और बैठने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप बैठ जाइए। तो साथियों, आज हमने बैक पेन के लिए कौन कौन से हम योग अभ्यास कर सकते हैं, ये सारे अभ्यास जो मैंने बताए ये बिगनर लेवल के हैं। आप इनको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इन आसनों में कुछ आसन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ भी सकते हैं, मैं उनको बताऊंगा कैसे इसको विधि से करा जा सकता है। दूसरा, जो मैंने 10-11 आसन आपको बताए हैं, अगर आप इनमें से 5 या 6 आसन भी कर लेते हैं तो भी आपकी बैक में बहुत आराम मिल जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि आपको इनका नियमित अभ्यास करना होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।